बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे भैन भराओ ते मेरे बच्चों। मैं ना अंडिया का हलवा बना रही, अज देसी अंडिया का हलवा बना रही। मैं अगे भी बनाया, मेरे लिंक ते पिया वो फार्मी अंडिया का बनाया, ये हुण मैं देसी अंडिया का बना रही। अच्छा, रसा नूं तुसीं हाथ नाल चाहे भोर लवो, मैं तो ज़्यादातर हाथ नाल ही भोर लैंदी हुणी, या इस तरह ना पा के विच चॉपर ते इस तरह एक गो रस लैणी। लंबे वाले नहीं लैने, गोर रस लैने। असल तो अगे देसी अंडिया का ही लोग बनाते, फिर वो देसी अंडिया तो जरा नजाब हो गया, तो लोग नाले फार्म ही बना लग पे, जिमें ब्रैलर खाण लग पे, इस तरह ही बन लग गए अंडे। देखो अस कुट लें, जेडे को मोटे रह जाएंगे वो अस हाथ ना खा लें। है ना, हूँ असी सारे कर ले ये कि 12 रसा ही ना 6 अंडे पा लो, तो ज़्यादा भी पा सकते हो, जिन्नी मर्जी पाओ, ये तो थोड़ी मर्जी। ए ना मैं बिच हूँ कप दुध का एक पा दिता, ये पाइया एक बिच ऐल पा दवांगी, क्योंकि ये घी अगर देसी घी हो तो सब नाल बहुत अच्छा, क्योंकि देसी घी नाल ही असल बन दिया, तो मैं ऐल पा रही। मैं पाइया कैल पाता बिच, ये वही ना मैं अद पा कुछ ही नहीं पा सारिया चीज़ा। मैं अच्छी तरह थले मिक्स कर दें, मिक्स करके फिर उत्ते रखा। देखो सारिया चीज़ा मिक्स कर ली, है ना हूँ असं बना रहे हैं। ये मैं हूँ रंग नहीं पाया, क्योंकि आंडे देसी है, अगर देसी ना हो तो फिर रंग पा लो। अच्छा, ऐल सानू घट लगेगा ना, तो असं ऐल होर पा लवेंगे। जो भी हो गया थोड़ा लगे वो पाओ। ये बहुत जल्दी बनता, तुम उधरों खाना मेहमान अगे रख दौ, उधरों इस भी डिश तुम तैयार कर लो, उन्नी देर बहुत जल्दी बनता है ना। हूँ जरा दाना दाना जो हो जाएगा, ये 5-7 मिनट च हलवा तैयार हो जाएगा। छूंगरदार रंग पाने की जरूरत ही नहीं है। हूँ देखो माशाला ना ये तैयार हो गया साड़ा। मैं देखो माशाला साड़ा अंडिया का हलवा तैयार हो गया, और मैं डोंगे च कढ लिया वा, और देखो ये देसी अंडिया की हलवे की रंगत देख लो कैसी है। तो दुनिया जरदा रंग पाईदा उत्ते, जो मर्जी पाओ, बादाम पाओ, पिस्ते पाओ। मैं ना ये बादाम थोड़े जे ना ओने च रख के करके, तो फिर ना छोटे छोटे क्रश कर लिया से छिलके ला के ना, ये फिर जरा ना क्रिस्पी होगा ना इस तरह। बना
ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹਲਵਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਵਾ ਤਿਆਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਲਵਾ ਬਣਾਓ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਓਕੇ ਕਰੋ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਦੇਖੋ ਔਰ ਬੈਲ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੈਂਟ ਦਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ। ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਬੈਲ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਜ਼।